नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप सभी का ट्रिक्स एक्सपर्ट पे। मैं हूं गौरव कुमार और आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि यूट्यूब पर एक और एक ऐसी मज़ेदार बात होती है, एक और मज़ेदार एक टॉपिक है, एक मज़ेदार ट्रिक है जिसके माध्यम से आप लोगों को अपने सोशल नेटवर्किंग साइट, जितने भी सोशल नेटवर्किंग पेज है, इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो या फिर और भी अदर कोई वेबसाइट हो, तो उस पर आप लोगों को पहुंचा सकते हैं बिना कभी बताए, बिना किसी वीडियो में बोले हुए भी आप उसको पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, YouTube पे YouTube कवर होता है, YouTube का एक चैनल आर्ट होता है जो हमेशा जब भी कोई हमारे चैनल पे आता है तो उसे वो दिखता है और लोगो दिखता है, ठीक है। उसके नीचे जब आप देखते होंगे तो आपको कई सारे लिंक दिखते होंगे जिसमें आपको अलग अलग तरीके का आइकॉन दिखता होगा, Instagram का, Facebook का या फिर आपको वेबसाइट का दिखता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे आता है? ज़्यादातर खासकर ये चीज़ें आपको Facebook पे जब आप करते होंगे, Facebook का लोगो मिलता है वहाँ पर। ज़्यादातर जब आप इसे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे जब आप खोलते हैं किसी चैनल को, किसी चैनल के जब चैनल पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर में दिखता होगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा। दोस्तों देखिए, सिंपली है क्या ये, आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे अपना आईडी खोला रखा है अपने चैनल का, ठीक है। अपने चैनल को मैंने ओपन किया हुआ, मेरा चैनल ये रहा, ये देखिए यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये कवर है ना। अब ये कवर के नीचे आपने कभी ये गौर किया है ये क्या रहता है? अब जैसे मान लीजिए सब्सक्राइब ना पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या खुल जाएगा? ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था इससे पिछले तीसरे वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हूँ यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए एज ए क्रिएटर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो, ठीक है। सब्सक्राइब पर देखिए ऑप्शन आ गया, करेक्ट। तो ये कैसे आता है, ये कैसे आता है मैंने आपको उसमें बताया हुआ है ना। अब बाकी और थोड़ा सा अगर बारीकी से जानना है आपको, चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ लिंक को और अगले टैब में आता हूँ। अगले टैब में आने का पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ तक जो है ये, यहाँ तक हमारा चैनल का यहाँ पर लिंक हो गया। चलिए एक और मैं ओपन कर लेता हूँ है ना, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैं आया और यहाँ देखिए ये रहा 7A तक जो है, इसमें 7A तक, यहाँ तक जो है मेरा चैनल का अपना URL, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है ये आपको कॉपी करके अपने URL में, चैनल के URL के आगे लगा देना है। लगा कर इसको कहाँ यूज़ करना है वो बताऊँगा मैं, ठीक है। ये जो सब्सक्राइब नो यहाँ आया आपको कैसे लाना है वो बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में, और YouTube का फिर, और आपको साथ ही Facebook का, Instagram का, Twitter का, वेबसाइट का कैसे लिंक आप ऐड करेंगे। यहाँ पर जो दिख रहा है इसको अगर रिफ्रेश कर दूँ मैं तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये ओपन रहा। देखिए यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है ना, तो ये कैसे आता है, आप अपने चैनल को खोलें, माई चैनल पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद अबाउट में आए, अबाउट का सेक्शन है ना, वहाँ पर पहुँचें आप, ठीक है। अबाउट का सेक्शन में आने के बाद नीचे आए, लिंक का देखो ऑप्शन दे रहा है ना, यहाँ एडिट का ऑप्शन देगा, इधर आएंगे तो ओके, यहाँ पर दे रहा है कि ओवरले 5 कस्टम लिंक्स, इसको बढ़ा के आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, 0 से 5 तक ही आप रख सकते हैं, ठीक है। तो 5 कर सकते हैं, मैंने कितना रखा है, 1, 2, 3, 4, मैंने 4 रखा है, ओके। तो 4 कैसे लगाया मैंने, 4 लगाने के लिए सिंपली दोस्तों क्या है कि आपका जो फेसबुक का पेज है, ठीक है, जैसे ये रहा, तो यहाँ पर मैंने गया, यहाँ जहाँ तक मेरा URL है वहाँ तक का मैंने कॉपी किया, करेक्ट। कॉपी करके आपको यहाँ पे आना है, यहाँ आपने लिख दिया फेसबुक पेज, ठीक है, या फेसबुक लिख दिया, कुछ भी लिख दिया जो आपका मन किया, ठीक, और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे वो लोगो कैसे आ रहा, आइकॉन कैसे आ रहा, तो मैं बताना चाहूँगा कि वो आइकॉन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो जैसे आप फेसबुक डालते हैं ना तो वो खुद आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप दूसरे वगैरह डालेंगे, मान लीजिए इंस्टाग्राम का डालना है, ठीक है। इंस्टाग्राम का आपने ओपन किया, इसको कॉपी किया, यहाँ आपने इंस्टाग्राम लिख दिया, वैसे ट्विटर का किया। अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है यहाँ पर डालें, यहाँ आपने लिख दिया ट्रिक्स एक्सपर्ट ऑनली, ठीक है, वहाँ आगे लिख दिया ट्रिक्स एक्सपर्ट का, मैंने वेबसाइट नहीं बनाया, जो भी होगा www. जो भी है वो कॉपी करके पेस्ट कर देना, ठीक। फिर यहाँ सेव कर देना है, फिर ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके पेज पर लेकर चला जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, फेसबुक को मैंने क्लिक किया, देखिए ये फेसबुक पर आ गया, ठीक है। हालांकि मैंने चेंज कर दिया है अभी URL, इसलिए ये दिख रहा है कि अभी ये अवेलेबल नहीं है। तो चलिए मैं इसे ठीक कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, जब आप चेंज कर लेंगे तो भी आपको दिक्कत होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने अब बदला था, ठीक है, तो मैं इसे अब बदल लेता हूँ, ये देखिए अब डन कर लिया, ठीक है। अब चलिए मैं इस पर फिर से दोबारा क्लिक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए URL आप चेंज कर सकते हैं कभी भी, आप जब भी चाहें फेसबुक का यूजर नेम आप कभी भी चेंज कर सकते हैं ना। इसको मैंने क्लिक किया, अब देखिए क्या खुलता है, फेसबुक वाले पे मैंने क्लिक किया तो अब मैंने ट्रिक्स एक्सपर्ट इंडिया कर दिया है। पहला भी यही था, बाद में मैंने चेंज किया था, फिर मैं यही कर लिया हूँ, ओके। देखिए ये मेरा फेसबुक का जो पेज है वो ओपन हो गया है ना, तो आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिए अगर आप चाहते हैं आगे भी सपोर्ट लेने के लिए तो, ठीक है। ये हो गया मामला, अब क्या करना है आपको,
तो ये आप यहाँ से चैनल यूआरएल लगा लिया आराम से, ठीक है। ये सारा चैनल लिंक आप यहाँ पर सेव करते हैं। फ़ायदा इससे क्या होगा वो समझिए आप। फ़ायदा दोस्तों इससे ये है कि आपके चैनल पर जब भी कोई विजिट करेगा, खास करके यहाँ पर, हालांकि ये आपको मोबाइल में भी देखने को मिलेगा, अंदर जाके मिलता है थोड़ा सा, है ना, जहाँ अबाउट का सेक्शन जो वहाँ पर जब जाते हैं उसके नीचे में सारा कुछ डिटेल ये रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब कोई पहुँचेगा लोग, तो वो अगर आपको पसंद करता होगा तो उसको खोजता होगा आपको कि भैया यहाँ कहाँ, यहाँ क्या। जैसे आप मान लीजिए हर डिस्क्रिप्शन में आप डालते हैं, एक चीज़ बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा लिंक डालने से ना वो स्पैम माना जाता है। अभी थोड़ा बहुत नियम चेंज किया है यूट्यूब ने, लेकिन पहले ऐसा होता था 2016-17-18 में कि मान लीजिए 18 तो चल रहा है, 17 तक या कह सकता हूँ 15-16 तक, ज़्यादा अगर आप डालते थे कोई भी लिंक ना, तो वो स्पैम माना जाता था। इससे भी कई लोगों का चैनल बंद हुआ है, मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से समझा भी है, कई लोगों का चैनल बंद हो जाता है। तो होता क्या था, जैसे अभी मान लीजिए आप कुछ भी लिंक डाल दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है ना, जब कुछ सर्च करता है तो आपके डिस्क्रिप्शन में जो मेन कंटेंट है, जो सारे हैं कि आप टैग के रूप में यूज़ हो, वो टैग के रूप में यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो रखें लिंक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना रखें। जैसे ये सब लिंक के लिए अगर अलग से व्यवस्था दी है तो वहाँ रखें, बाकी आप नीचे भी रख सकते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हैं, आप कभी भी रख सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई खोजता नहीं अभी, और तो वहाँ भी रखें, लेकिन यहाँ भी लगा दें, ये ऑफिशियल है, और इसको लगाने से एक ब्रांडेड चैनल आपका लगता है, और जिससे आप कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अपने चैनल को चला पाएंगे। तो ये लिंक लगाना बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता दिया। आप सिंपली यहाँ आएंगे, माय चैनल पे आप क्लिक करेंगे, माय चैनल पे यहाँ से भी आ सकते हैं आप, ओके। अबाउट सेक्शन में आने के बाद नीचे आकर यहाँ पे लगा लीजिए, और ईमेल आईडी में आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी पक्का देके रख ले, ताकि जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी बिजनेस के लेके या फिर कोई भी कोलेब्रेशन या फिर कुछ के लिए भी कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, और आपको मतलब अगर स्पॉन्सर करना चाहता हो उसके लिए, या फिर कोलेब्रेशन करना चाहता हो, या फिर कुछ और भी हो जिसके लिए आपसे मिलना चाहता हो, तो वो मिल सके, ठीक है। मैंने एक चैनल में एक वीडियो में बताया था कि अबाउट सेक्शन को देखिए, अबाउट सेक्शन में मैंने जो लिखा है आप चाहे तो उसे एज इट इज़ कॉपी करके अपने चैनल में लगा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें बदल लीजिएगा, जैसे कि जहाँ जहाँ ट्रिक्स एक्सपर्ट लिखा हुआ उसको चेंज कर लीजिएगा, अगर प्योर टेक बनाते हैं एकदम जो मैंने लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उसी को रख लीजिए, बाकी जो थोड़ा बहुत इधर उधर करना है कर दीजिए। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है, तो आप जो चाहे वो दोनों ले सकते हैं, चाहे तो एक ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है चैनल आर्ट, ये आपको अच्छे तरीके से बनाना है, और ये जो इधर का कोना है यहाँ आपको कुछ नहीं रखना है, है ना, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आएगा। तो आप कई लोगों के देखते होंगे कि तो वहाँ के लिए अलग से कलर टाइप का बॉक्स टाइप बनाते हैं, तो उतना आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इतना कर दें कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखे नहीं, वो जो कोना होगा उसको आप लोग छोड़ दें ब्लैंक, नॉर्मली वहाँ पे कलर रहने दें, ठीक है। तो ये जब यहाँ आप लगा देते हैं, यहाँ लगाने के बाद ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बीच में, अगर चैनल पर नए आए और यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो अभी तक तो मैंने नहीं कहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, वीडियो लाइक कर, लास्ट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा हो, ठीक है। और मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ये लगाया विजिट हियर करके, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। माय चैनल पे आने के बाद, अबाउट पे आने के बाद ही इसको भी एडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 2-3 चैनल है, है ना, तो 2-3 चैनल है तो आप यहाँ पे उनका लिंक डाल सकते हैं, है ना। बार बार आप वीडियो में नहीं बताना है आपको कि मेरा ये चैनल है, वो कॉपीराइट, वो जो यूट्यूब गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट है। आपको यहाँ लगाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ कि आपके चैनल आप लगा दीजिए, यहाँ लगाने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, एडिट मॉड्यूल पर क्लिक कीजिए, ठीक है, मॉड्यूल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 चैनल है, ये एक मेरे भैया है, सीनियर है, काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, काफ़ी मुझे उनसे सीखने को मिलता है, तो ये उनका चैनल है SRK टेक्निकल। ये फ्लूट एक्सपर्ट मेरे फ्रेंड का चैनल है, जिसके टेक्निकल सपोर्ट मैं देता हूँ लगभग, और ये खबरदार जमुई मैंने शुरू किया, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ के लिए न्यूज़ और तमाम चीज़ें इस पर आती है। ये जमुई मेरे ज़िला का नाम है, ठीक है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ओके। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं विजिट ये लिखा हूँ, माई चैनल, अदर चैनल्स, टेक चैनल्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर उस चैनल का, जिस चैनल को ऐड करना है उसका URL लाकर पेस्ट कर दे, चैनल का URL यहाँ से मिलेगा, ये देखिए यहाँ से कॉपी कर ले, यहाँ ला कर पेस्ट कर दे, ऐड पे क्लिक कर दे, यहाँ डन कर दे, ठीक है। जैसे डन करेंगे यहाँ पे आपका आना शुरू हो जाएगा, जब भी आपको कुछ चैनल पे आएगा तो उसको ये दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। आप किसी भी चैनल पर जानते हो आपको दो चीज़ें मिलता होगा, एक तो पॉपुलर चैनल या तो फिर रिलेटेड चैनल्स, ठीक है, और उसके साथ ही आपको ये मिलता होगा जो अगर वो लगाए हुआ होगा, तो लगभग अब सब लोग 2-3 चैनल चलाते हैं तो वो यहाँ पर लिंक डाले हुए हैं, है ना, लगभग सभी लोग। तो इस तरह से आपको मैंने इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी बारीक सी चीज़ें बताई है जो आपके चैनल को एक ब्रांड बनाता है, एक ब्रांडेड लुक देता है, एक ब्रांडेड
क्वालिटी प्रदान करता है ना। तो ट्रिक्स एक्सपर्ट पे मैंने आपको ये बता दिया एक दो तीन ऐसे ट्रिक्स जो आपको काम करेगा और अच्छा भी लगेगा, और आप इसे यूज़ करें और इसको देखने के बाद आप अपने चैनल में तुरंत बदलाव करें। बाकी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा एक दो चीज़ें और। और रही बात कुछ और चीज़ें बताने की, तो मैं फिर आगे भी धीरे धीरे बताता जाऊँगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये कि आप कैसे अपने वीडियो को अपलोड करें, है ना। वीडियो अपलोड करते समय किन किन बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे बात करूंगा कि हाउ टू अपलोड योर वीडियो ऑन यूट्यूब, है ना, विथ प्रिकॉशंस, जिससे कि आप अपने वीडियो को कहीं ना कहीं एक ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन पहुँचा सकते हैं, एक दे सकते हैं, या फिर सिंपल साधारण शब्द में कहूँ तो आप उसमें लाख, हज़ार, मिलियन या फिर वायरल कर सकते हैं, है ना। वीडियो अपलोड करने का भी एक तरीका होता है, अगर उस तरीके को हम अगर सही से जान जाएंगे और उस तरीके को फॉलो करेंगे ना, तो हमारे वीडियो को सही ऑडियंस रिटेंशन, सही तरीके से वो लोगों तक पहुंच पाएगा और लोग उसे सही तरीके से वॉच कर पाएंगे, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन कमेंट में लिखें, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहाँ भी चाहें आप, इंस्टाग्राम, हमसे जुड़े, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में आप हमसे पूछें, डेफिनेटली 100% तो नहीं, लेकिन मैं लगभग हर कमेंट के आंसर करता हूँ। ओके, तो ख्याल रखें आप सब अपना। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।